किनारा एक और कहीं देख लिया, 8 बजे के बाद गांव में सन्नाटा हो जाता है। अब गरीब आदमी थका रहता है, आदमी चादर ओढ़ के सो जाता है। इतना क्रूरता की मतलब आप समझ लीजिए कि लोग इंसान डर जाए उस वक्त का माहौल देख के, क्या माहौल रहा। 17 साल की बेटी मानसिक रूप से कमजोर था लड़का और गूंगा था, उसको काटा गया कुल्हा। और ये सब हादसा होने के बाद सुरेंद्र सिंह ये अलग कर दिया था, पार्टी करने आते थे हम लोग अपने आप से। हफ्ते में एक दिन पार्टी चलती थी, बबली सिंह का नाम सुरेंद्र सिंह का, ये जो अभी वो सस्पेंड नहीं हुए बबली सिंह के साथ। सुरेंद्र सिंह दरोगा है क्या, है अलग टाइप की थी वो लेडीज ऐसा ही गलत थी। नहीं नहीं, ये सुरेंद्र सिंह क्या पोस्ट पे है? ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। दरोगा हल्का इंचार्ज जिसको कहते हैं, पुलिस हल्का इंचार्ज इनका बीट के अधिकारी होते हैं, एक एक बीट होता है। तो ये सस्पेंड नहीं हुआ? जी नहीं नहीं नहीं। अच्छा, यही मेन तो बर्खास्त करना चाहिए, सस्पेंड इनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, ऐसे जेल हो जाएगा। ये जो सुरेंद्र सिंह ने आप दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह कत्ल करवाएगा क्या? जो टॉप किए थे जातिगत टिप्पणियां वो इसी ने की थी, यही सब दिए थे। अरे तो उनके परिवार से मिलकर जैसे आता था, तो उनके कौम का था, उनका परिवार हमको तो बोलने नहीं देते। हम लोग कौम के हैं, पासी समाज के, हम अपनी बात नहीं बोल सकते। वो ठाकुर होके ऐसा ही बोल सकता था, हमारे ही आदमी दबदब रहे हैं कि आप लोग राजनीति, हम अपनी राजनीति करने आए यहाँ, हम रायबली से आए यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे। हम तो एक वीडियो देखे कि हमारा समाज तड़प रहा है और हम भी तड़प रहे हैं इस चीज को। हम प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग बात किए कि हम लोग सब दलित समाज के हैं, कि हम लोग चले कम से कम, हम आज पढ़े लिखे हैं और सर तो हमारे यूनिवर्सिटी से आए हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। और इन्होंने कहा कि विरोध मैं तुरंत चलूंगा, हम सुबह 6 बजे के चले हुए हैं, यहाँ हम राजनीति नहीं करने आए, यहाँ अपने दर्द को बया करने आए हैं। वो ठाकुर होके अपनी नौकरी नहीं देख रहा है और जातवादी कर रहा है, उसको सस्पेंड बर्खास्त नहीं किया गया। हम लोग अपनी बात भी नहीं बोल सकते, इस जगह भी बात नहीं बोल सकते, इससे बड़ी घटनाएं क्या होगी? पुलिस ने इस बार नहीं रोका आप लोगों को, वरना इससे बड़ी घटनाएं क्या होगी जो अपनी समाज की बात हम लोग बोल ना पाए, ये बोल पाएंगे? अर्धा दे रहे थे, चले जाएंगे, बोल पाएंगे? सरकार हमारे भैया हैं, साल से हमेशा बात होती थी, बराबर आ जा रहे हैं उसी दिन से, जिस दिन से कांड हुआ उसी दिन से बराबर आते जाते, बिल्कुल थक गए। देखते देखते हम लोग की क्या दशा है, हम परिवार से ये परिवार की। हाँ, एक्चुअली मैं परिवार से बैठ के सारा समझ लेती हूँ, आप लोगों का मैंने नोट कर लिया साथ में। आप लोगों से तो मैं जी जी, मैं ज्योति यादव हूँ, द प्रिंट से हूँ। मुलाकात हुई देवबोध के साथ। हाँ 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 हाँ, आप आपका नंबर नहीं है, बाकी सबका मेरे पास है, मैं अपना कार्ड दे देती हूँ आपको। तो कुछ रहेगा तो आपसे मैं टच में रहूंगी, क्योंकि इलेक्शन के दौरान।